हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर चैनल वुल्स एथलीन। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे सप्लीमेंट और जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर जो कॉलेज टाइम है, स्कूल टाइम है और बढ़िया बॉडी बिल्डअप करना चाहते हैं और अपनी मसल में मास ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। वैसे तो सभी देख सकते हैं ये वीडियो और फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जिनका बजट लो है वो जरूर ये वीडियो देखें और फॉलो करें जो जो चीज आपको बताई गई है। और वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव इंग्रेडिएंट आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड विद दी वुल्स एथलीन। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपको सप्लीमेंट बताए गए हैं वो बहुत ही कम प्राइस में और आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं केमिस्ट शॉप पर, जो आप ले सकते हैं अपनी आपके आसपास की फार्मेसी पे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है। लेकिन ये असर जब भी आप पे करेगी जब आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे और प्रॉपर टाइम पे आप ये लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोसेज आपको लेनी है, कितना आपको दिन में इसकी डोसेज रखनी है और किस टाइम पे लेनी है। तो सबसे पहली चीज जो इस चीज में है वो है गोक्षुरा। गोक्षुरा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन ट्रिबुलस इसका नाम है, जो साइंटिफिक नाम है। इसका काम क्या होता है कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल बॉडी ग्रोथ के लिए और बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा काम आता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसको बूस्ट करता है। मेन चीज क्या होती है, बॉडी जो मेल मेल्स की बॉडी होती है वो खुद ही टेस्टोस्टेरोन बनाती है अपनी बॉडी में, लेकिन आपकी जो जिम करते हैं, जो हैवी वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, उनको ज्यादा मसल ग्रोथ के लिए तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका हाई चाहिए अपनी मसल ग्रोथ के लिए, मसल बिल्डअप के लिए और साइज बढ़ाने के। तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज होती है मेल ग्रोथ, मेल हार्मोन्स की ग्रोथ के लिए और मसल ग्रोथ के लिए। तो ये अपनी डाइट में जरूर इन्वॉल्व करना गोक्षुरा। ये अराउंड आपके 120 रुपीज के आपके अराउंड आ जाता है फार्मेसी पे, और ज्यादा डिस्काउंट वो दे सकता है अगर आपको इसका हैवी मतलब बल्क में लेते हैं। तो ये अराउंड आपके 120 के आसपास आपको मिल जाएगा, और इसमें 60 कैप्सूल्स होती है और इसकी जो डोसेज होती है आप खाने के साथ ले सकते हैं रात में, क्योंकि रात में क्या होता है आपकी डाइजेशन पावर हाई रहती है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि आपको आपको उसके बाद ना कोई काम करना होता है, आपको सिर्फ सोना होता है और सुबह तक आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा, आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है अगले दिन के लिए वो आपका बढ़ाएगा, ताकि आप प्रॉपर वर्कआउट परफॉर्म कर सके, चाहे आप सुबह कर रहे हो या फिर आप इवनिंग में परफॉर्म कर रहे हो अपना वर्कआउट, तो ये जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिएगा। आपको बताया कि गोक्षुरा आपको कब लेना है, और इसकी जो डोसेज है वो आपको 4 कैप्सूल लेने हैं खाने के साथ, और एक कैप्सूल इसका 250 mg के आसपास होता है, तो 1 ग्राम आपको कंज्यूम करना है एक दिन में, और वो भी सोने से पहले खाने के साथ, ठीक है। और इसके साथ जो आपको लेना है मतलब 1-1.5 घंटे के गैप में रात में ही दूध के साथ जैसे ले सकते हैं, तो वो आप 1 चम्मच अश्वगंधा ले लीजिए, जो किसी भी कंपनी का आता है। 2 कंपनी सबसे बढ़िया रहती है इसकी, एक तो पतंजलि और दूसरी हिमालय की। तो आप पाउडर में आपको सजेस्ट करूंगा कि पाउडर आप लें, कैप्सूल्स में ना जाए, क्योंकि पाउडर जल्दी डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में। और आपको इसका फायदा क्या मिलेगा कि ये एक पुरानी कहावत है कि ये जवानी देता है, जवान करता है, और ये आपकी जो बोन होती है उसको मजबूत बनाता है और वाइटलिटी बढ़ाता है मसल्स की, और मसल एंड्योरेंस में भी ये हेल्प करता है। तो ये ज्यादा आप अपनी रात को सोने से पहले दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा आप जरूर लीजिए अपनी डाइट में। सो गाइस, जो अगला आपको सप्लीमेंट जो इजीली आपको मिल जाएगा, और ज्यादातर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत लोग जो ट्रेन करते हैं जिम में ये सप्लीमेंट को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, और ये जो सप्लीमेंट है ये है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्या होता है, उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में इम्पोर्टेंट होता है आपके मसल ग्रोथ के लिए, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको मल्टीविटामिन।
मल्टीविटामिन क्या करता है, सबसे ज्यादा मेन चीज जो आपके बॉडी समझती है वो तीन चीज समझती है, कार्ब सबसे पहले, दूसरी होती है फैट्स, तीसरी होती है प्रोटीन। और ये मल्टीविटामिन्स उस फूड को जो आप इनटेक करते हैं रात में, सुबह या दोपहर में, वो उस चीज को तोड़ने में काम आता है, ताकि आपका फूड जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सके और जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी मसल्स को मिल सके, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो या फिर फैट्स हो। तो मल्टीविटामिन्स का काम ये होता है। और सबसे ज़्यादा चीप और जो मैं समझता हूँ बेस्ट मल्टीविटामिन है मार्केट में, वो ये है बीकट एक्समाइन। ये आपको इजीली आपको मिल जाता है फार्मेसी शॉप पे अराउंड 32 रुपीज का। और इसमें कैप्सूल्स होती हैं आपकी, 30 कैप्सूल्स होती है, और ये एक कैप्सूल इसकी 250 mg की होती है, और आपको पूरे दिन में 1 ग्राम आपको इंटेक करना है, मतलब चार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो जिम करते हैं उनकी डोसेज होती है हाई, जो मतलब नॉर्मल पर्सन होते हैं जो डेली टू डेली एक्टिविटी में मतलब नॉर्मल काम करते हैं, तो आपकी ऑब्वियसली बात है आपकी डाइट हाई हो जाती है, आपकी डाइट हाई हो जाती है उनसे जो नॉर्मल काम करते हैं, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं जिम में हैवी वर्कआउट्स, और आपको मसल को भी उतना ही उसके हिसाब से आपको डाइट चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए आपकी मसल को। तो 1 ग्राम आपको जरूर लेना है अपनी रोज की जिंदगी में, ठीक है। ता सप्लीमेंट आपको लेना है वो है फिश ऑयल, और फिश ऑयल इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मसल ग्रोथ के लिए और मसल बिल्डअप के लिए, ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 सबसे बेस्ट बढ़िया और बेस्ट सोर्स होता है किसी चीज का मसल का साइज इंक्रीज करने के लिए, आपकी बॉडी में फाइबर प्रोवाइड करता है ये, और ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी मसल इंड्योरेंस में और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी। और ओमेगा 3 के साथ साथ आप अगर ओमेगा 6 लेंगे, जो कि आपको बहुत इजीली आपको और सोर्सेज से प्रोवाइड हो जाएगा, जैसे आपके नट्स होते हैं, आलमंड्स होते हैं, अखरोट होते हैं, और क्या कहते हैं काजू होते हैं इनमें, और जो फिश ऑयल ले नहीं सकते मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं वो उनको मैं प्रिफर करूंगा फ्लैक्सीड, जो अलसी के बीज होते हैं ना फ्लैक्सीड, वो वेजिटेरियंस के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो जो फिश ऑयल नहीं ले सकते ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स, उनके लिए वेजिटेरियन में फ्लैक्सीड है। तो आपको जो ये फिश ऑयल की जो डोसेज है वो आपको दिन में आपको 3 ग्राम कंज्यूम करनी है, जो इंटरमीडिएट लेवल के एथलीट्स होते हैं या फिर जो परफॉर्म करते हैं हैवी वेट वर्कआउट, तो उनको 3 ग्राम, और जो अभी बिगिनर लेवल के हैं उनको 1.5 ग्राम के आसपास। और ये जो एक कैप्सूल इसकी आती है वो 300 mg के आसपास आती है, तो मतलब जो इंटरमीडिएट के लेवल के एथलीट्स होते हैं वो उनको लेना है 10 कैप्सूल एक दिन में, और जो जो बिगिनर लेवल के हैं उनको लेने 5 कैप्सूल एक दिन में, और ये लेना है आपको रात में सोने से पहले, ताकि ये अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट कर सके और अच्छे से आपकी मसल को मिल सके इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो अगली जो अपने लिस्ट में अगला जो सप्लीमेंट है वो है इजियोन, और ये विटामिन ई की कैप्सूल्स आती हैं फार्मेसी पर ईवियोन के नाम से, और ये जो दो तरह की होती है 400 mg भी आती है इसमें और 600 mg भी आती है। जो 600 mg होती है वो उन एथलीट्स के लिए जो इंटरमीडिएट या फिर जो बहुत सालों से परफॉर्म कर रहे हैं हैवी वेट वर्कआउट्स या फिर जिम कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो 400 mg शुरू करें, और जो इंटरमीडिएट होते हैं वो 600 mg लें अपने डेली रूटीन में। और ये भी आपको खाने के साथ ही लेना है रात में और सुबह दोपहर में लंच के साथ, ये 2 टाइम आपको लेना है दोपहर में लंच के साथ और रात को सोने से पहले खाने के साथ। तो इसका जो फायदा आपको मिलता है, सबसे ज्यादा फायदा इसका यही है कि ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा काम आता है, और ये सबसे बढ़िया जो इसकी चीज मेरे को लगती है ये आपके हेयर ग्रोथ में और जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, न्यूट्रिश करता है उनको, और ये आप अपनी डाइट में जरूर लीजिए विटामिन ई, जो आपको इजीली अराउंड 20 रुपीज के अराउंड आपको ये पत्ता मिल जाएगा आपको पूरा, और इसमें 10 कैप्सूल्स आती हैं। तो
तो ज्यादा कुछ महंगा नहीं है, आप अपने डाइट में ये लीजिए। तो इसी के साथ खत्म होती है अपनी पूरी लिस्ट जो आप ले सकते हैं 1000 रुपए के अंदर, बहुत बढ़िया सप्लीमेंट। लेकिन ये काम आएगा जब भी जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे, क्योंकि ये तभी आपकी मसल को इंग्रेडिएंट्स पहुंचा पाएगा आपकी डाइट्स के। तो ये जरूर लीजिए, 1000 रुपीज के अंदर आपको सभी सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं रैप अप, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो अभी के अभी नीचे जाके लाल बटन दबाइए सब्सक्राइब का, और उसे ग्रे कर दीजिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो जो भी आगे आने वाली है वो आपको अपडेट मिल जाए कि वीडियो आ गई है। और भाई वो चैनल मतलब टॉप पर पहुंचा दीजिए शेयर कर, क्योंकि हमें पता है कि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए ही हम ये वीडियोस में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, स्पेशली आपके लिए, ताकि आप बहकें ना या फिर महंगे महंगे सप्लीमेंट्स पे बेच रहे ना। तो चलते हैं आप सभी भाइयों को, राम राम।